सरकार और निजी क्षेत्र दोनों ही देश की खेती और इसके किसानों के हालात सुधारने के लिए हर दिन नए नए तरीकों की इजाद कर रहे हैं। शोधों और अनुसंधानों से खेती के तरीके और फसलों को बेचने के नए नए तरीके खोजे जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इन खोजों और तरीकों को किसानों तक पहुंचाने की है। सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ तहसील में इकट्ठा हुए ये किसान आसपास के कई गांवों से आए हैं। वजह है एक ट्रेनिंग प्रोग्राम जिसमें इन्हें सिखाया जा रहा है कि फसल को खेत से निकालने और बेचने के बीच वो कौन से मौके होते हैं जब उनकी फसलों का नुकसान होता है और किस तरह वो इन नुकसानों से बच सकते हैं। किसानों को हम ये ट्रेनिंग यहाँ पे देते हैं कि आप अपने माल को जो है या मतलब जो नियरेस्ट गोदाम होते हैं जैसे CWC हो गया या फिर अन्य हो गए या फिर आपके मतलब कुछ किसान होते हैं वो खुद थोड़ा मतलब छोटे टाइप में बनाए रहते हैं जिसे उनका भूमिगत भंडारण हो जाता है, और हम इसके पोस्ट हार्वेस्ट के बारे में एक ये बताते हैं। एक चला है भी नया आया है कोकून सिस्टम, और ये कोकून जो होता है बहुत हल्का होता है मतलब जो है जिसे गांव में यूज बोरियाँ यूज करते हैं ये जिप इसमें लगी होती है, और ये मतलब वो किसान इकट्ठा होकर इसको खरीद सकते हैं। और जब किसान को भंडारण के तरीकों और इसमें होने वाले नुकसान के गुर बता दिए जाते हैं तो फिर बारी आती है उन्हें बाजार के बारे में बताने की। किस तरह किसान अपनी फसल की सही कीमत हासिल कर सकता है और कौन कौन से बाजार उसे ज्यादा से ज्यादा कीमत हासिल करने में मदद कर सकते हैं, ये सब इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन्हें सिखाया जाता है। पूरे ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम लोगों ने प्राइस जानने के जो डिफरेंट मेथड्स हैं उस पे ऊपर फोकस किया हुआ है। दूसरी चीज़ है कि प्राइस किस तरीके से फार्मर्स को पता चलेगा, इसके लिए जो एक्सचेंज का जो फॉरवर्ड मेथड है उसको हम लोग एक्सप्लेन करते हैं फार्मर्स को बिल्कुल नॉर्मल भाषा में जो टेक्निकल नहीं होती है, और उसे हम लोग रोल प्ले के थ्रू ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं जो कि उनके बिल्कुल समझ में आ सके। खास तौर पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में ट्रेनर ऑनलाइन ट्रेडिंग के तरीकों और फायदों पर विशेष जोर दे रहे हैं। ये भारत सरकार की प्रस्तावित राष्ट्रीय कृषि बाजार के साथ तालमेल बिठाने और किसानों को उसका भरपूर फायदा उठाने के लिए तैयार करने की दिशा में एक अहम पहल है। समझाने के लिए हमने इसमें एक रोल प्ले डेवलप किया है जो कि हम किसानों के साथ ही करते हैं, किसान ही उसमें से रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वही इसको रोल प्ले करते हैं। किसानों के लिए ये विषय भले ही नए हों लेकिन किसानों की प्रतिक्रिया और उत्साह ये बताने के लिए काफी है कि भारत का किसान जागरूकता और आधुनिकता की राह पर अपनी विकास यात्रा शुरू कर चुका है। ट्रेनिंग सत्रों में किसान केवल मूक श्रोता ही नहीं रहते बल्कि बाकायदा बहसों और सवालों के जरिए भागीदारी करते हैं और कई बार तो अपने सवालों से ट्रेनरों के पसीने तक छुड़ा देते हैं। लेकिन इन सब के बाद ट्रेनिंग के नतीजे इसके आयोजकों को उत्साहित कर रहे हैं। किसान बहुत अच्छी प्रतिक्रिया दे रहे हैं और वो मतलब लगातार कोशिश कर रहे हैं कि हम मतलब इन चीज़ों को फॉलो करें जो जो चीज़ें बताई जा रही हैं, और कुछ कई जगहों पे मतलब शुरू भी कर रहे हैं जो है, और परचेजिंग के लिए या फिर जो भंडारण के लिए वो मतलब बार बार ट्राई कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं अपने नियरेस्ट जितने भी सेंटर हैं इन सब चीज़ों के। फार्मर्स हमको ये बहुत सारे क्वेरी करते हैं कि हम इसमें कैसे एंटर हो सकते हैं और इसमें हमारे फ़ायदे कैसे हो सकते हैं, और इसके लिए उनका बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिएक्शन आता है कि एंट्री के लिए, और इनफैक्ट कुछ फार्मर्स ने हमसे डायरेक्टली कॉन्टेक्ट भी किया है कि उनके पास अभी माल पड़ा हुआ है और अभी वो कैसे बेच सकते हैं। ये पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम दरअसल भारत सरकार के कृषि विभाग के तहत काम करने वाले लघु कृषक कृषि व्यापार संघ यानी SFAC के तत्वावधान में चल रहा है। किसान उत्पादक संगठन यानी FPO तैयार करने के लिए जिम्मेदार SFAC ये कार्यक्रम इंडियन ग्रामीण सर्विसेज IGC के जरिए चला रहा है। मध्य प्रदेश और राजस्थान में चल रहे इस कार्यक्रम में IGS विभिन्न FPO के जरिए किसानों को भागीदार बनाता है। इंडियन ग्रामीण सर्विस करके एक प्रमोटिंग एजेंसी है जो हमें मैसेज कन्वेंस कर दिए कन्वे करती है कि आपको एजेंसी इस तरह ट्रेनिंग करवानी है। जैसे हमारे पास मैसेज आता है हम हमारे FPIG लीडर होते हैं उनको मैसेज कर देते हैं कि हमारे ऐसी ट्रेनिंग आई है, बोर्ड ऑफ मेंबर्स को बता देते हैं, वो सब कुछ अरेंज करवाते हैं। FIG जो होती है उसमें 15 से 20 मेंबर होते हैं, तो ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता क्योंकि हम धरातल से जुड़े हुए हैं ऑलरेडी। तो हम इस तरह करते हैं हमारे FIG लीडर होते हैं उनको कॉल करते हैं, उनको समझाते हैं ये कॉन्सेप्ट है ट्रेनिंग में, ये सीखना मिलेगा आपको, तो उसके रिगार्डिंग वो अपने मेंबर्स और फार्मर्स को ले आते हैं यहाँ पर ट्रेनिंग के अंदर। किसान खुश हैं कि ऐसी जानकारियाँ खुद चलकर उनके पास आ रही हैं। ट्रेनिंग के कारण उन्हें अब ये समझ में आने लगा है कि क्यों अब तक उनके माल का सही भाव उन्हें नहीं मिल पा रहा था।
कहां भंडारण में उन्हें नुकसान हो रहा था और अब उन्हें क्या करना है। हाँ, ये धीरे धीरे लोग उत्साहित वो जागरूक हो रहे हैं, किसान उसको समझ में आ रहा है कि भाई जब इंडिविजुअल किसान अकेला मंडी तक ले जाए तो उसका भाड़ा ज़्यादा पड़ता है, वो संगठित में जैसे हमारा एपीओ बना है तो उसमें एक ही किसान उसका वो वायदा बाजार कर सकता है, अच्छी दर पर उसको कीमत दिला सकता है। सर, ये काफ़ी फायदेमंद रहेगा और इसमें जो ये ट्रेनिंग वाले बता रहे हैं, जिस प्रकार हमें बताया कि इसमें हम फसल काटने के बाद में हमें क्या क्या नुकसान होता है उस बारे में, और उस प्रकार हम इस नुकसान से कैसे बच सकते हैं और किस प्रकार इससे ज़्यादा फायदा ले सकते हैं। किसान जागरूक भी हो रहे हैं अनाज भंडारण की तरफ से, और ये काफ़ी नुस्खे भी बता रहे हैं कि इस तरह से अनाज भंडारण करो, इस फसल का ऐसे करो, इसका ऐसे करो। कमोडिटी एक्सचेंज NCDEX पर विशेष तौर पर किसानों के लिए तैयार किए गए फॉरवर्ड प्लेटफॉर्म को लेकर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में प्रशिक्षित किसानों के बीच खासा उत्साह जाग रहा है। इस प्लेटफॉर्म से किसान सीधे मिलर या प्रोसेसर से जुड़कर ऑनलाइन अपनी फसल की नीलामी कर सकता है। हालांकि इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करने के लिए कंप्यूटर, इंटरनेट और तकनीक की जरूरत होती है, लेकिन इन किसानों को भरोसा है कि अपने FPO की मदद से वे इस बाधा को भी आसानी से पार कर सकते हैं। ट्रेनिंग ट्रेड होने से पहले हम जो किसान थे बाजार में जाते थे तो हमें मूल्य वही तय करते थे कि आपको इतना मिलेगा। अब जैसे हम ट्रेड हुए हैं, ट्रेड होने के बाद हमें पता चला है कि हम हमारी मेहनत और हमारी फसल का पैसा हम खुद तय कर सकते हैं। ट्रेनिंग अटेंड की है, उनसे मुझे ये महसूस हो गया है कि जैसे हम बाज़ार में जो मूल्य प्राप्त करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा, जो हम NCO द्वारा ये जो APO द्वारा बेचेंगे माल को। इसके बावजूद किसानों की भारी संख्या और शिक्षा के निम्न स्तर को देखते हुए इन ट्रेनिंग कार्यक्रमों का प्रभाव फिलहाल सीमित दिखता है। निश्चित तौर पर इन्हें संख्यात्मक तौर पर बढ़ाने और इनसे ज्यादा से ज्यादा FPO को जोड़ने की जरूरत है। किसान कम पढ़ा लिखा है तो इस वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम करके समझाने की जरूरत है। समझता है, फायदे की बात हर एक किसान जल्दी से समझ नहीं पाता है, इसलिए आपके FPO जो जितने भी हैं वो और बनाए गांव में थोड़े से एक्टिव हों तो इसका लाभ आम किसान तक पहुंच सकता है। यहाँ किसान लघु किसान है। फिर भी प्रोग्राम ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। पिछले कुछ महीनों में इस प्रोग्राम के तहत राजस्थान में 59 और मध्य प्रदेश में 28 ट्रेनिंग सत्र आयोजित किए गए हैं। इन सत्रों में राजस्थान के 5 जिलों में 5 FPO के जरिए करीब 1,750 और मध्य प्रदेश के 3 जिलों में 4 FPO के जरिए करीब 1,000 किसानों ने भाग लिया है। राजस्थान के कोटा, बूंदी, सीकर, नागौर और अजमेर जिलों के अलावा इसके तहत मध्य प्रदेश के सीहोर, विदिशा और होशंगाबाद ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए हैं। ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करने वाली नोडल एजेंसी इंडियन ग्रामीण सर्विसेज IGS और FPO का दावा है कि इस प्रोग्राम में भाग लेने वाले किसानों के नजरिए और तौर तरीकों में फर्क आने लगा है। पिछले साल हम लोगों ने मतलब ये जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो गवर्नमेंट का जो दिया हुआ है चने का, तो उसमें हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, तो वहाँ पर मैंने देखा कि मतलब जो जो ट्रेंड किए हुए थे अपने जो सदस्य थे वो कुछ सफाई करके सामान को लाया, चने को लाया अपने मंडी तक, तो उसका मतलब इमिडिएटली मतलब ज़्यादा मतलब उसको क्वालिटी मतलब जो प्रशिक्षण में जब उसका चेक किया गया तो वो पर्याप्त पाया गया कि मतलब एडिक्वेट मतलब क्वालिटी का है, इस कारण से उसकी खरीद हो गई। इस ट्रेनिंग से बहुत कुछ सीखने मिला है फार्मर्स को भी और FPO के लीडर्स को भी, मुझे भी और मेरे स्टाफ को भी। हर एक फार्मर तो इतना जागरूक नहीं है कि वो एक ट्रेनिंग से सब कुछ सीख जाए, लेकिन जो हमारा स्टाफ है जो अच्छा पढ़ा लिखा है वो सब कुछ सीख चुका है। उसके माध्यम से हम दोबारा इस तरह सेशन लेके उनको वापस जागरूक कर गए और एक मंच पर लाके प्लेटफॉर्म पर, और FPO ही काम कर सकता है। FPO एक मीडिएटर की तरह हमारे जो फार्मर्स होते हैं, मेंबर ऑफ फार्मर्स, उनका हम व्यापार कर सकते हैं और उन जो फ़ायदा है ऑनलाइन का वो उन तक पहुँचा सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एक देश से जोड़ता है आपको। खेती के बदलते तौर तरीकों में पोस्ट हार्वेस्ट यानी कटाई के बाद से बिक्री तक छोटी छोटी बातों का ध्यान रखकर किसान बहुत कुछ बदल सकते हैं। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में इसी पहलू को बताया जा रहा है। इस विशाल देश और करोड़ों किसानों तक इस संदेश को पहुंचाना सबसे बड़ी चुनौती है, लेकिन ये भी सही है कि किसी भी एक कोने में मिली सफलता पूरे देश के लिए एक संदेश होगी।
फसलों की कटाई के बाद उन्हें खेतों से लाने से लेकर स्टॉक करने और फिर बेचने तक की चुनौतियों का समाधान करने के लिए चलाया जा रहा है यह ट्रेनिंग प्रोग्राम भले ही एक छोटा सा प्रयास दिखता हो, लेकिन इसकी सफलता के नतीजे क्रांतिकारी हो सकते हैं, क्योंकि महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इसी फसल को बचाने से लेकर बेचने तक का सवाल सीधे किसानों की आर्थिक समृद्धि से जुड़ा हुआ है। राजस्थान के सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ से मंडी.com के लिए अनिल वत्स के साथ भुवन भास्कर।